नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लब 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेज आयरलैंड के बीच जो सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके ड्रीम 11 टीम की। तो आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की टीम आयरलैंड गई हुई है दो ओडीआई मैचों की सीरीज खेलने। उसमें फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जा चुका है जिसमें आयरलैंड की टीम 72 रन से विन किया, और इस सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाना है आज। तो उसके ड्रीम 11 की टीम देंगे, और सेकेंड ओडीआई मैच अगर अफगानिस्तान जीतते तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगा, और अगर आयरलैंड जीतते तो 2-0 से आयरलैंड सीरीज विन कर जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 और पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर की। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना। तो चलिए फिर चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान टीम की। तो अफगानिस्तान की टीम आप देख सकते हैं इनका पिछला प्लेइंग 11 मोहम्मद सजाद, हजरतुल्ला जाजाई, रहमत शाह, असगर अफगान, हसीमतुल्ला शहीदी, मोहम्मद नावी, गुलाउद्दीन नाइब, राशिद खान, दौलत जादरान, आफ्ताब आलम, मुजीबुर रहमान। और पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर आप देख सकते हैं असगर अफगान ने 29 यानी 29 बनाए थे, मोहम्मद नावी ने 27 यानी 27 बनाए थे, गुलाउद्दीन नाइब ने 20 यानी 20 बनाए थे। यानी बैट्समैन का उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था पिछले मैच में, इसलिए अफगानिस्तान की टीम हार गई थी। आप देख सकते हो कोई भी बैट्समैन 30 प्लस स्कोर कर ही नहीं पाया था, 30 के नीचे ही था। आपको बता दूँ 3-4 बैट्समैन जो थे 30 के आसपास ही थे लेकिन उनसे नीचे ही थे। तो इस हिसाब से आप टीम बना सकते हो। उसके बाद बात करते हैं विकेट की। तो यहाँ पे दौलत जादरा ने 3 विकेट लिए थे, आफ्ताब आलम ने 3 विकेट लिए थे, राशिद खान ने 2 विकेट, और गुलाउद्दीन नाइब ने 1 विकेट। तो लेकिन अफगानिस्तान की टीम फिर भी जीतने पाई, लेकिन बॉलर ने विकेट ठीक ठाक लिया था, बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की थी लेकिन बैट्समैनों का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था, इस वजह से अफगानिस्तान की टीम हार गई थी। तो इस हिसाब से आप अपनी ड्रीम 11 की टीम बना सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब आयरलैंड की। तो आयरलैंड का पिछला प्लेइंग 11 हम देख सकते हैं पॉल स्टीलिंग, जेम्स मैकुलम, एंड्रू बलोनी, उसके अलावा विलियम पोर्टरफिल, केविन ओब्रायन, गैरी विल्सन, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, एंड्री मकवरीन, उसके बॉयड रैंकिंग, टीम मुर्गा। तो ये इनका पिछला प्लेइंग 11 था। पिछले मैच में परफॉर्म करने वाला आप देख सकते हैं पॉल स्टीलिंग ने 79 यानी 79 रन बनाए थे, विलियम पोर्टरफिल ने 53 यानी 53 रन बनाए थे, केविन ओब्रायन ने 32 यानी 32 बनाए थे। लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस था आयरलैंड के बैट्समैनों का। इसके बाद बात करते हैं विकेट की। तो बॉलर ने जो विकेट लिया मार्क अडायर ने 4 विकेट लिए, बॉयड रैंकिंग ने 3 विकेट लिए, टीम मुर्गाट ने 2 विकेट लिए, और केविन ओब्रायन ने 1 विकेट लिए। सबसे ज़्यादा मार्क अडायर ने लिए थे 4 विकेट। तो ये सबसे अच्छे बॉलर थे, मतलब पिछले मैच में बने थे मार्क अडायर, बॉयड रैंकिंग ने 3 विकेट लिए थे, तो ये भी ठीक ठाक बॉलिंग किए थे पिछले मैच में। इसके अलावा बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम में हमेशा की तरह बात करेंगे हम सबसे पहले विकेट कीपर की। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मोहम्मद शहजाद और गैरी विल्सन। मोहम्मद शहजाद ओपनिंग करने आता है, गैरी विल्सन आपको बता दूँ लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो अगर आप गैरी विल्सन के साथ जाना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हो, मैं मोहम्मद शहजाद के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग करने आता है और मुझे लगता है इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसलिए मैं मोहम्मद शहजाद को लिया। आप चाहो तो दूसरे ऑप्शन गैरी विल्सन के साथ भी जा सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम बैट्समैन की। तो बैट्समैन में मैंने विलियम पोर्टरफिल्ड को लिया, रमेश शाह को लिया, उसके अलावा हमने लिया है हजरतुल्ला शहीदी को, इसके अलावा जेम्स मैकुलम को लिया है। तो ये कुछ 4 बैट्समैन मैंने लिए। यहाँ पे बात करें जेम्स मैकुलम के, तो इनको 17% लोगों ने लिया, वैसे ये ओपनिंग करने आते तो इनके परफॉर्म करने के चांसेस 100% है। उसके बाद हसीमतुल्ला शहीदी जो है 22% लोगों ने ले लिया है इनको। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो, जो 4 बैट्समैन मैंने लिए। अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं है तो जो बाकी का ऑप्शन है असगर अफगान को आप ले सकते हो, एंड्रू बलवरी को आप ले सकते हो, इसके अलावा जो हजरतुल्ला जजई को आप ले सकते हो, ये भी आपको बता दूँ अच्छे बैट्समैन है और इनके भी परफॉर्म करने के चांसेस है। और जेम्स मैकुलम तो ओपनिंग करना था, इनके भी परफॉर्म करने के चांसेस है। तो अगर आप जो 4 बैट्समैन मैंने लिए हैं अगर उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो बाकी के ऑप्शन जो बचते हैं उनमें से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। जो 4 बैट्समैन मैंने लिए वो है विलियम पोर्टरफिल्ड, रहमत शाह, हसीमतुल्ला शहीदी, इसके अलावा जेम्स मैकुलम। अब बात करते हैं हम ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर मैंने लिया, पॉल स्टीलिंग को लिया, मोहम्मद नावी को लिया है, और इसके अलावा हमने लिया मार्क अडायर को। मार्क अडायर को आप देख सकते हैं 63% लोगों ने लिया, पिछले मैच में 20% लोगों ने लिया था लेकिन ये परफॉर्म अच्छा किया था, पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे इसलिए इनको 63% लोगों ने लिया इस मैच में। इसके अलावा जो बाकी दो ऑप्शन आपका जो केविन ओब्रायन और गुलाउद्दीन नाइब, इनमें से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किनके साथ जाना है, इस 3 के साथ जाना है या बाकी के जो दो ऑप्शन बचते हैं उनमें से किसी एक को या दोनों को लेना है। जो 3 ऑलराउंडर मैंने लिया पॉल स्टीलिंग, मोहम्मद नावी और मार्क अडायर,
अगर आप इन तीनों से सेटिस्फाई नहीं तो बेशक इनमें से किसी को भी चेंज करके जो बाकी के ऑप्शन उनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में मैंने राशिद खान, बॉयड रैकिंग और मुजीबुर रहमान को लिया है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है आप मैकवरिन को ले सकते हो, मुर्गा आपके ऑप्शन है, डॉकरेल हो गए, दौलत जादरान हो गए, इसके अलावा आफ्ताब आलम हो गए, तो इनमें से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किनको अपनी टीम में रखना है और किनको नहीं रखना है, तो आप अपने हिसाब से टीम बॉलर चूज़ कर सकते हो। वैसे जो तीन बॉलर मैंने लिए वो भी मेरे सबसे अच्छे हैं, इसलिए मैंने इनको लिया, आप भी इनको ले सकते हो। जो तीन बॉलर मैंने लिए और राशिद खान, बॉयड रैकिंग और मुजीबुर रहमान है, अगर आप इनसे सेटिस्फाई हैं तो इनको चेंज करके बाकी जो ऑप्शन है उनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं टीम प्रीव्यू और कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे मैंने कैप्टन मोहम्मद शहजाद को रखा है और वाइस कैप्टन विलियम पोर्टरफील्ड को रखा है। इसके अलावा आप जेम्स मैकुलम, ग्रैंड लीग में जेम्स मैकुलम को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ओपनिंग करने आते हैं तो इनको बहुत ही कम परसेंट लग बोलेंगे, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। पॉल स्टर्लिंग भी ओपनिंग करना आता है, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसके अलावा रहमत शाह को भी बना सकते हो, इसके असीमुतुल्ला शहीदी को भी बना सकते हो, और बॉलिंग की बात करें मुजीबुर रहमान, राशिद खान, इनमें से किसी को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, आप अपने हिसाब से भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बनाया और मोहम्मद शहजाद को कैप्टन और विलियम पोर्टरफील्ड को वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा बात करते हैं पूरी टीम की, एक बार टीम में पूरा बता देता हूं आपको। विकेट कीपर में मोहम्मद शहजाद है मेरे, बैट्समैन में मेरे रहमत शाह, असीमुतुल्ला शहीदी, विलियम पोर्टरफील्ड, जेम्स मैकुलम है, ऑलराउंडर में मोहम्मद नबी, पॉल स्टर्लिंग, मार्क अडेयर है, बॉलर्स में मेरे राशिद खान, मुजीबुर रहमान और बॉयड रैकिंग है। अगर आप इस टीम से सेटिस्फाई नहीं है तो बेशक इनमें से चेंज करके जो बाकी के ऑप्शन है उनमें से किसी प्लेयर को आप ले सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किन के साथ जाना है, और मुझे लगता है मेरे हिसाब से बेस्ट टीम है और अच्छा विन करोगे आप लोग इस टीम से। बेस्ट ऑफ लक फॉर दी मैच। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। एंड आई होप आप लोग इस टीम से बहुत अच्छा विन करोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।